हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के के खिले खिले बहुत ही सॉफ्ट बाफला बाटी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 कप मक्के का आटा लिया है, छान के रख लिया है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू और टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 से 3 चम्मच ऑयल। सारी चीज़ों को पहले सूखे में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आटा गूंथने के लिए यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को बिल्कुल सॉफ्ट गूंथना है। आटे को मैंने बिल्कुल सॉफ्ट गूंथ लिया है। 1 चम्मच ऑयल फिर से डालेंगे, आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आटा चेक कर लेते हैं। आटा से लोइया कट कर लेंगे। आपको बाफला जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा लोइया कट करें। चिकना चिकना लोइया बना लेंगे। ऐसे करते हुए गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 से 1.25 ग्लास पानी रखेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लग गया है, एक स्टैंड रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ढक्कन ले लिया है, इसमें होल बने हुए हैं, इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। ढक्कन को स्टैंड के ऊपर सेट कर लेंगे। बाफले को एक एक करके लगा लेंगे। पानी का लेवल हमें ध्यान रखना है, प्लेट को टच ना करें उबलते हुए। गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे। बाफले को हमें 25 से 30 मिनट तक स्टीम करना है। बाफले को स्टीम करते हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने एक बार बाफले को एक एक करके पलट दिया था। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक लिया है, बाफले के बीचों बीच डाल के देखेंगे। टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है तो बाफले हमारा स्टीम हो चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे। बाफले को निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। बाफले को बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे पापड़ सेकने वाला एक स्टैंड ले लिया है। अगर मैं इसको सीधा रखूँगी तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पलट के रख रही हूँ। बाफला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हमें इसे बेक करना है। एक एक करके सेट कर लेंगे जाली पे, ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम एडजस्ट कर लेंगे, लो से थोड़ा सा तेज पे रखेंगे। बाफला हमारा पहले से स्टीम है इसलिए बहुत ज़्यादा देर हमें बेक नहीं करना पड़ेगा। 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद हम बाफले को एक एक करके पलट देंगे। बाफला हमारा बेक हो चुका है। बाफला हमारा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रखा है। हल्का सा प्रेस करके बाफले को थोड़ा सा तोड़ लेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे हल्का हल्का तोड़ के प्लेट में रख लेंगे। सारे बाफले को हल्का हल्का दबा के मैंने ऐसे तोड़ के रख लिया है। यहाँ पे मैंने घी लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच, ब्रश लिया है। अगर घी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो बाफला लेके बिल्कुल ऐसे डिप कर दें। बाफले को निकाल लेंगे, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। अगर आपको घी बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसे डिप करें। मैं सारे बाफले पे घी का ब्रश करूँगी।
घी हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, तो घी आपको जितना पसंद हो, अगर कम पसंद हो तो बाफले पे ऐसे घी का ब्रश कर ले, ज़्यादा पसंद है तो बाउल में ज़्यादा घी लेके मेल्ट करके बाफले को अच्छे से डिप कर दे। हमारे मक्के का बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला बाफला बनके रेडी हो चुका है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।